चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो कॉलेज लेक्चर स्कूल लेक्चर एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विटल सी ने विश्व को कितने कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर स। विटल सिंह ने संपूर्ण विश्व को 13 कृषि प्रदेशों के अंतर्गत विभाजित किया है। नेक्स्ट अपना जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है। बागाती कृषि का जो क्षेत्र निम्न में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर सेकंड है दक्षिणी पूर्वी ब्राजील, ऑप्शन नंबर थर्ड है वेस्ट इंडीज, फोर्थ है मलेशिया इंडोनेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पूर्वी संयुक्त राज्य जो अमेरिका है वो बागाती कृषि का क्षेत्र नहीं है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेलवास, सेकंड है सवाना, थर्ड है प्रेरीज और फोर्थ है टेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ब, सवाना को किस नाम से जाना जाता है, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। सवाना को बड़े शिकारों की भूमि के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर विस्तृत घास के मैदान मिलते हैं, उन विस्तृत घास के जो मैदान है उनके अंदर बड़े बड़े जो पशु हैं वो मिलते हैं, जैसे हाथी है जिराफ है और उनका शिकार किया जाता था, इसलिए इसको किस नाम से जाना जाने लगा, बड़े शिकारों की भूमि के नाम से भी जाना जाने लगा। ये जो सवाना है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, खनिज और प्रमुख खनन क्षेत्रों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ तो अपने को दिए हुए हैं क्या, खनिज दिए हुए हैं, और दूसरी तरफ जो दिए हुए हैं वो प्रमुख खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो लोहा अयस्क वो अपने को कहां पर मिलेगा, माउंट इटाबिरा के अंतर्गत मिलता है, जबकि सेकंड है वो निकल की बात करें, निकल कहां पर मिलता है, सडबरी में मिलता है। इसके बाद में तांबा की अगर अपन बात करें तो तांबा की बहुत बड़ी खान है, बहुत बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तांबा मिलता है चिकवी का माटा में मिलता है। और लास्ट जो बच गया मैग्नीज है वो कहां पर मिलता है, चियातुरा में मिलता है। तो इस प्रकार से ये अपने को सुमेलित करने थे। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मम्फोर्ड के अनुसार नगरों के विकास का सही अनुक्रम है। तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब अपने को ये तो पता है कि इनमें से चारों जो नाम है वो सेम ही है, और इनमें से सही अपने को क्रम बताना है, यानी कि छोटे से लेकर जो विकास का क्रम है बड़ा वो अपने को बताना है। तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर द है वो सही हो जाएगा, यानी कि पहले इओपोलिस, उसके बाद में पोलिस, उसके बाद में मेट्रोपोलिस। मेट्रोपोलिस जो शहर होते हैं वो बहुत ही बड़े शहर होते हैं, या जिनको अपन कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की राजधानी भी हो सकते हैं। इसके बाद में आता है विकास की जो अंतिम अवस्था होती है वो होती है मेगालोपोलिस, यानी विकास की जो चरम अवस्था है उसे किस नाम से जाना जाता है, मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है। मम्फोर्ड ने अपने जो नगरों का विकास है उसके अंतर्गत छह अवस्थाएं नगरों की बताई थी, छह
छह अवस्थाएं बताई थी। चरम पे विकास हो जाता है मेगालोपोलिस में। इसके बाद में आते हैं टायरानोपोलिस, जो क्या होते हैं, हाशमान शहर को दिखाते हैं। इसके बाद में आती है नेक्रोपोलिस, जो नगर का अपना अस्तित्व है वो खो चुका होता है। तो इस प्रकार मंफोर्ड ने नगर विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी, छह अवस्थाएं बताई थी। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है, प्राचीन काल में इटली के लाम्बोर्डी के मैदान पर आयताकार प्रारूप में नगरों का बसा हुआ, इस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। तो यहां पर अपने सामने चार ऑप्शन है, इंसुला फर्स्ट, दूसरा है टेरामारा, तीसरा है बारूक और चौथा है आयरन ग्रिड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेरामारा के नाम से जाना जाता था। यानी इटली के अंतर्गत जो लाम्बोर्डी का मैदान है उसमें आयताकार जो प्रारूप है जिसमें नगरों की बसावट होती थी, उस प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था, टेरामारा प्रणाली के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन काल का नगर नहीं है, नहीं है। तो यहां पर चार नगरों के अपने को नाम दिए हुए हैं, फर्स्ट है एथेंस, सेकंड है पेरिस, थर्ड है लंदन और फोर्थ है सिडनी। तो अपने को इसमें बताना है कि प्राचीन काल का जो नगर है वो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर द, सिडनी क्या है, प्राचीन काल का नगर नहीं है, ये कुछ समय पहले ही बसाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, वो आता है वांथुनेन से। वांथुनेन ने कृषि अवस्थिति की मॉडल प्रस्तुत किया था, इसमें एक प्रणाली बताई थी, तीन खेत प्रणाली, जो कौन सी पेटिग्निक की विशेषता है। यानी कि यहां पर जो वांथुनेन ने जो कृषि पेटियां बताई थी उसके अंतर्गत से तीन खेत प्रणाली कौन सी पेटी के अंतर्गत बताई थी, यानी कि जिसमें खेतों के तीन हिस्सों में बांट दिया जाता था, एक भाग पर तो क्या किया जाता था, कृषि की जाती, जैसे इस भाग पे क्या किया गया, कृषि की गई, यहां पर पशु पाले गए, और इसको किसके रूप में छोड़ दिया गया, प्रतिभूमि के रूप में छोड़ दिया गया। तो इस तीन खेत प्रणाली का कौन सी पेटी की विशेषता बताई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर से पंचम, पंचम पेटी की विशेषता है जिसमें तीन खेत प्रणाली का मॉडल अस्तित्व था वांथुनेन के अनुसार। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, संसाधनों की उपयोग प्रविधि के संदर्भ में छायापुंज सिद्धांत, सिद्धांत का नाम है छायापुंज सिद्धांत, किसने दिया है। तो यहां पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है जिमरमैन, सेकंड है एकरमैन, थर्ड है मिचेल और फोर्थ है बाउलिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिमरमैन ने दिया था। कौन सा सिद्धांत, छायापुंज सिद्धांत। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करो। तो सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है, इसको सुमेलित करना है। यानी कि जो परिरक्षणीय संसाधन है वो कौन से हैं, संचित संसाधन कौन से हैं, अपरिवर्तनीय संसाधन कौन से हैं, या पुनर्नवीनीकरण कौन से संसाधनों का किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत पुनर्नवीनीकरण किसका किया जा सकता है, मृदा की उर्वरकता का। यानी मृदा की अगर उर्वरकता खत्म हो जाए तो उसमें अपन खाद डाल के उसकी उर्वरकता को वापस से बढ़ा सकते हैं। संचित कौन सा संसाधन है अपने सामने, वन, सॉरी सॉरी सॉरी,
परिरक्षण ये जो संसाधन है वो कौन से आ गए, वन, जिसका ओपन क्या कर सकते हैं, परिरक्षण जिसका कर सकते हैं। अपरिवर्तनीय संसाधन कौन से आ गए, जल, यानी जल को ओपन क्या नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते जिसके अंतर्गत। संचित संसाधन यानी संचय किनका कर सकते हैं, अपन कोयले का कर सकते हैं। तो इस प्रकार यहां पे इनको मिलाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन से वन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सेल्वा, सेकंड है बोरियल और थर्ड है सवाना। तो यहां पर जो वन है यानी कि जो बोरियल जो वन है वो कहां पर नहीं मिलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में नहीं मिलते हैं। बोरियल जो वन है वो केवल उत्तरी गोलार्ध के अंतर्गत ही मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब यहां पर अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपना आप चलते हैं, फिर से सुमेलित करना है। एक तरफ अपने को दिए गए हैं पेट्रोलियम खनन क्षेत्र और दूसरी तरफ दिए गए हैं देश। तो यहां पर अपने को जो गलत ऑप्शन है वो बताना है। तो घावर कहां पर है, सऊदी अरब में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ब्रोंजी कहां पर है, रूस में है, सही है। किरकुक कहां में है, इराक में है, ये भी सही है। जबकि लाली है वो ईरान में या सॉरी कुवैत में नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर द है वो इस यहां पर सही हो जाएगा। जो लाली है वो कहां पर है, ईरान में स्थित है। लाली के अलावा अपन देखते हैं नफत सफेद, ये भी ईरान का बहुत बड़ा एक तेल उत्पादक क्षेत्र है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, सुमेलित करना है या जो गलत युग्म है उसको छांटना है। टोलुजा किसके लिए प्रसिद्ध है, सबको पता है वायुयान के लिए प्रसिद्ध है। सेफील्ड किसके लिए प्रसिद्ध है, जलयान के लिए नहीं है, कैंची और छुरी उद्योग के लिए, कैंची व छुरी उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है सेफील्ड। डेट्राइट है वो है किसके लिए, ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है। सेंट इटिन है वो किसके लिए है, साइकिल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहां पर अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यावता तोबता औद्योगिक प्रदेश जिसमें स्थित है वो है, यावता तोबता औद्योगिक प्रदेश कहां पर स्थित है, किता किसु में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, किता किसु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यूएसए की कपास पेटी की दक्षिणी सीमा का निर्धारण होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 50 सेमी समवर्षा रेखा से, 70 सेमी समवर्षा रेखा से, 150 सेमी समवर्षा रेखा से, या 200 दिन पाला रहित दिन से। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, 150 सेमी वर्षा रेखा इसका निर्धारण करती है। यूएसए की जो कपास पेटी है उसकी दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य यूएसए की बसंतकालीन गेहूं की पेटी में नहीं आता है। तो यहां पर अपने सामने ऑप्शन है टेक्सास, मिनोसोटा, डेकोटा और मोंटाना। तो इसका जो सही आंसर है वो है टेक्सास, ऑप्शन नंबर ए। टेक्सास है वो यूएसए की जो बसंतकालीन गेहूं पेटी है उसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
ब्रिटनी कृषि प्रदेश स्थित है? ब्रिटनी जो कृषि प्रदेश है वो कहां पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर स, फ्रांस में स्थित है क्या ब्रिटनी कृषि प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आइसोडोपेन क्या है, यानी कि अपने को बताना है आइसोडोपेन क्या है। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है। आइसोडोपेन क्या है? समान परिवहन लागत रेखा को मिलाकर खींचे जाने वाले जो रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है? आइसोडोपेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से बांग्लादेश व भूटान दोनों के साथ सीमा बनाने वाला कौन राज्य कौन से है? तो यहां पर अपने को दो राज्य दिए गए हैं, दो दो राज्य दिए गए हैं हर ऑप्शन में, और अपने को बताना है नेपाल और भूटान दोनों देशों के साथ में सीमाएं कौन कौन से राज्य की लगती हैं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल व सिक्किम, सेकेंड है मेघालय असम और पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम और सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है असम और पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द असम और पश्चिमी बंगाल है, वो दोनों की सीमा अपने कहां से लगती है? बांग्लादेश और भूटान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सीमागत क्षेत्र सागर समुद्र की ओर कितनी दूरी तक स्थित है? तो यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर सेकंड 24 नॉटिकल मील, ऑप्शन नंबर थर्ड 21.9 नॉटिकल मील या 200 नॉटिकल मील। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है कितना है, 12 नॉटिकल मील स्थित है। भारत का जो सीमागत सागर के अंतर्गत क्षेत्र है वो आता है, जबकि 21.9 क्या है, किलोमीटर स्थित है। या तो इसको अपन 21.9 किलोमीटर कह सकते हैं या फिर 12 नॉटिकल मील कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिमालय की कौन सी श्रेणी को केंद्रीय श्रेणी भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए महान हिमालय। महान हिमालय को केंद्रीय श्रेणी भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा गुजरती है? तो इसका सही आंसर है, यानी भारतीय जो प्रायद्वीपीय खंड है उसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा कहां से होकर के गुजरती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है विंध्याचल की पहाड़ियों के दक्षिण से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर थर्ड है अरावली पहाड़ियों के पूर्व से होकर के गुजरती है, फोर्थ है राजमहल की पहाड़ियों के उत्तर से होकर के गुजरती है। तो इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से होकर के गुजरती है प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी पश्चिमी सीमा। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीसोजोइक काल में समुद्री जो निक्षेप है उनके लिए प्रसिद्ध क्षेत्र ब्रह्मसर स्थान कहां पर स्थित है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं अपने सामने, पहला है जोधपुर, सेकंड है जैसलमेर, थर्ड है बीकानेर और फोर्थ है बाड़मेर। तो इसका जो सही आंसर है ब्रह्मसर कहां पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर में है स्थित है ब्रह्मसर। अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ दर्रों के नाम दिए हुए हैं और कुछ पर्वत श्रेणियां दी हुई हैं। तो खारदुंगला कहां पर है, लद्दाख में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो अपना सही है। फोटुला कहां पर है, काराकोरम में नहीं है, तो यहाँ पर अपना जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही
हो जाएगा। जबकि बनिहाल है वो कहां पर है, पीर पंजाल श्रेणी में है, और जो जिला है वो कहां पर स्थित है, महान हिमालय श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भिक चट्टान संरचना के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार नहीं है। पहला है भारतीय जो मरुस्थल है वो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, तो ये अपना ऑप्शन सही है। मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी सही है। मेघालय का जो पठार है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, तो ये ऑप्शन भी सही है। जो मोलेसिस बेसिन है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर द है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आज की क्वेश्चन सीरीज थी। थैंक यू।